गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ क्लास 10 का बायोलॉजी में। इसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वह है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग इसमें होगा दोज थिंग्स which are called living thing. Those things which are alive are called living things. और हम लोग और एक definition लिख सकते हैं, living things आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म्स एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन which differentiated from non-living things. देखो क्या कहा गया कि living things क्या है? ये complex organization है। किसका complex organization है? ये मॉलिक्यूल्स का। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जो इसको नॉन लिविंग से अलग करता है। नॉन लिविंग से अलग कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? पहला है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज which are taking place in a living organism body is called metabolism. ठीक है, एक बार समझा देते हैं। देखो metabolism क्या है? metabolism पहले तो इसका definition होगा sum total of all the केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप। पहला एनाबॉलिज्म। पहला क्या है? एनाबॉलिज्म। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और कैटाबॉलिज्म को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है और एक लार्जर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल है सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस। उसी तरह से कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव। यहां पे एक लार्जर मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में।
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे बॉडी में जो हम लोग पढ़ना भी है वो है डाइजेशन, है ना, या रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, अगर प्लांट है तो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, अगर एनिमल है तो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बाद है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन शेप एंड साइज, इंक्रीज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ दो प्रकार का होता है, एक इनडेफिनिट ग्रोथ और एक डेफिनिट ग्रोथ। इनडेफिनिट का मतलब होता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू ग्रो, व्हेन द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल इट डाइज। जैसे पेड़ वो तब तक ग्रो करता है जब तक वो मरता नहीं, यानी जब तक जिंदा रहेगा वो ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा, उसका मूल कारण क्या है, प्लांट में पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग ऑलरेडी 9 में टिश्यू चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन और रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो जो इनडेफिनेटली ग्रो करेगा दैट ग्रोथ इज कॉल्ड इनडेफिनिट ग्रोथ, और इसका एग्जाम्पल होगा प्लांट। डेफिनेट क्या, दोज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्टॉप ग्रोथ मच बिफोर इट्स डेथ, मरने से बहुत पहले ही वो अपने ग्रोथ को कंप्लीटली स्टॉप करे। जैसे हम लोग एक सर्टेन एज तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते, लाइफ लॉन्ग तो लंबा नहीं होता है ना ड्रास्टिकली। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एनिमल, डेफिनेट निश्चित। ये हो गया ग्रोथ का डेफिनेशन, इंक्रीज इन शेप एंड साइज, एक हो गया इनडेफिनिट, एक हो गया डेफिनेट। उसके बाद है कॉन्शसनेस। थर्ड क्या है, कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब यहां पे फिर क्वेश्चन है कि ये स्टिमुली क्या है, व्हाट इज इट, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट टू विच वी रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस के प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्शसनेस। लेकिन फिर ये स्टिमुलस क्या है, तो हमारे आसपास के वातावरण में ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या हो गया, स्टिमुली। जैसे तेज हवा आती है तो पूरा नाक बंद कर लेते हैं, तो ये तेज हवा जो आ रही है धूल वाली, धूल भरी हुई, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टिमुलस। और हमारा आंख उससे देखते हुए तुरंत बंद हो गया, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कौन कर सकता है, एक लिविंग बींग कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता है। एक हम कहीं दुकान में जाके चाय पीते हैं, वो एकदम गर्म दे दिया तो फट से चाय को नीचे रख देते हैं, है ना, ठीक है। तो हम नीचे क्यों रखें, क्योंकि वो गर्म हमारा शरीर बियर नहीं कर सकता, सह नहीं सकता। तो वो गर्म लेते हुए तुरंत जो नीचे रखें, वो गर्म प्याला क्या था, स्टिमुलस था मेरे लिए। और मेरा हाथ उसको तुरंत नीचे रखा, वो क्या था, मेरा रिस्पॉन्स था। लेकिन हम जहाँ पे रखे, जमीन में रखे या उसके चेयर में रख दिए, वो एक नॉन लिविंग आर्टिकल्स है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लिविंग बींग रिस्पॉन्स शो करता है टू स्टिमुलस, बट नॉन लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, यानी हो गया कॉन्शसनेस। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अलाइव ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है, टू मेंटेन द रेस, अपने नस्ल को आगे बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है। क्यों,
क्योंकि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, मतलब वो अमर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉग्निशन। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग क्या है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शसनेस एंड रिप्रोडक्शन विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल एंड प्लांट्स मूव्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, ये बहुत नेचुरल है। एनिमल कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स आर बेसिकली स्टेशनरी। दे आर फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ओनली दे आर ट्विग, उसका जो टहनी है, शाखाएं हैं, वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एक्चुअली द प्लांट बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट, वो एक जगह में स्टेट है। तो एनिमल मूव कर रहा है, होल बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हो गया लोकोमोशन। वेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज वी चेंज अवर पोजिशन। ठीक है, बट प्लांट बेसिकली क्या शो करता है, मूवमेंट, बट एनिमल क्या शो करता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, यहां से यहां आया तो मेरा पोजिशन चेंज हुआ, दैट इज शोन बाय एनिमल। लेकिन हम यहाँ पे ही हैं, यहाँ पे खड़े हैं और ये पेन से लिख रहे हैं, तो मेरा बॉडी कॉन्स्टेंट है एक जगह, लेकिन मेरा हाथ हिल रहा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट। तो इस तरह का मूवमेंट कौन कर रहा है, प्लांट। लेकिन हम जो यहाँ से यहाँ आए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज लोकोमोशन, ये कौन कर रहा है, एनिमल। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। यानी एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड देयर पार्ट्स लाइक ट्विग्स एंड ब्रांचेस कैन मूव और कैन शो द मूवमेंट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये एक शॉर्ट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में सबसे पहला होगा दे कैन मूव, दूसरा दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, थर्ड दे कैन रिस्पायर, फोर्थ दे कैन एक्सक्रीट, फिफ्थ दे कैन रिप्रोड्यूस, सिक्स दे कैन चेंज, दे कैन इंक्रीज इन शेप एंड साइज। ये सब कैरेक्टर एक लिविंग बींग का कैरेक्टर है। हम एक से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, पहला होगा। हम खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये दूसरा कैरेक्टर है। हम रिस्पायर लेते हैं, एयर को इनटेक और आउटटेक करते हैं। हम एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं थ्रू यूरिन और थ्रू एक्सक्रीटा। हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और हम इंक्रीज कर सकते हैं शेप और साइज। तो यहाँ पे ये जो चार कैरेक्टर है, इसको कहा जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये जो चार कैरेक्टर है, इसको कहा जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, क्योंकि ये कैरेक्टर स्पेशली तुमको लिविंग बींग में ही मिलेगा, नॉन लिविंग बींग में मिलने का कोई चांस नहीं है। बट ये दोनों जो कैरेक्टर हैं,
इसको कहा जाता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैरेक्टर लिविंग बींग के साथ साथ नॉन लिविंग बींग में भी देखा जाता है। जैसे बरसात का दिन आएगा तो देखना हमारे घर में जो दरवाजा वरवाजा होता है लकड़ी का वो स्वेल कर जाता है, और जब वो स्वेल कर जाता है तो वो इंक्रीज इन शेप एंड साइज कर रहा है। तो दरवाजा क्या है, एक नॉन लिविंग है, लेकिन वो इंक्रीज इन शेप एंड साइज कर रहा है यानी ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए ग्रोथ को कहा गया नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि वो लिविंग का पर्टिकुलरली कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से रिप्रोड्यूस का भी है। ठीक है, तो ये जो है पूरा ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ओके, अब हम लोग नए में आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, ये चैप्टर का नाम भी है और अब ये क्वेश्चन भी है कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या। तो इसमें लिखना है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके, वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि द प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन आर ऑल इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस। ये सभी लाइफ प्रोसेस के तहत आता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस आता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये पूरा आ रहा है लाइफ प्रोसेस के अंदर। अब ये जो लाइफ प्रोसेस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं इसके लिए क्या चाहिए, टू मेंटेन लाइफ एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस वी नीड एनर्जी। लाइफ को मेंटेन करने के लिए और प्रोसेस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ मिलता है, वी गेट एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। व्हाई, फूड एक्ट्स एज अ फ्यूल as by oxidation
ऑफ फूड वी गेट एनर्जी, फूड को ऑक्सीडाइज करने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। इसलिए कहा जाता है कि फूड क्या है, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। तो ये हो गया फूड का इंपॉर्टेंस। अब हमें फूड कहां से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब है व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। है ना, तो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज यानी इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू गेट एनर्जी, ताकि हम अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन किस वर्ड से लिया गया है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूटिलाइज्ड टू मेंटेन द लाइफ, टू मेंटेन द लाइफ एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हर उस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इंक्लूड करता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों, टू मेंटेन द लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ लिविंग बींग के सर्वाइव करने के लिए, इसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स का दो काम है, एक टू गेट एनर्जी, दूसरा टू यूज दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज डिफरेंट लिविंग कॉम्पोनेंट्स। हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर यूटिलाइज्ड बाय अस, विच आर यूटिलाइज्ड बाय अस टू गेट एनर्जी, विच आर यूटिलाइज्ड बाय अस टू गेट एनर्जी और यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस, और यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ
न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, और ट्रॉफी, ट्रॉपिक वर्ड आया ट्रॉफी से, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप बेसिकली कौन कौन करता है, प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तीसरा क्या होगा साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। इसमें तीन आएगा, डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है बिकॉज दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉपिक, हेट्रो मीन अदर और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो का मतलब अदर और ट्रॉफी का मतलब यहां पे लिखे हैं न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में तीन है, पहला सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा होलोजन। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। जब एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मरे हुए और सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि सड़ावा पत्ता, सड़ावा कोई पेड़ का टहनी, ठीक है, सड़ावा कोई ह्यूमन बॉडी, कोई ब्रेड, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करता है दैट आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक, और वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। लेकिन वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक पार्ट को सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है उसको कहा जाता है सैप्रोजोइक, सैप्रोफाइटिक प्लस सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक किसको बोलेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म इन सॉल्युबल फॉर्म उसको बोलेंगे सैप्रोजोइक। सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक ये दोनों को मिला के होगा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होगा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या है, व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड पैरासाइट। यानी पैरासाइट में जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर से अपना भोजन ले रहा है वो पैरासाइट है, और जिसके शरीर से वो ले रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया होस्ट। ठीक है, तो पैरासाइट में दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक पैरासाइट और दूसरा होस्ट। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा पैरासाइट का, लाइस, जुई, लीच, जो होगा। सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन है, बैक्टीरिया हो जाएगा और फंजाई हो जाएगा, सबसे कॉमन।
और लास्ट है होलोजोल। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज टेकन इनटू द बॉडी। जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, बाय प्रोसेस कॉल इंजेशन, है ना। यानी होलोजोल में तीन चीज होता है, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, है ना। होलोजोल क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड इनटू आवर बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लिए, उसके बाद द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, उसको कन्वर्ट किसमें किए, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या कहा गया, डाइजेशन। और जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड सो दैट इट इज यूटिलाइज्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, है ना, यानी ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया होलोजोल। होलोजोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आगे हम लोग को पढ़ना भी है, एमीबा, और दूसरा हम लोग खुद है ह्यूमन, एमीबा और ह्यूमन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।